आप सभी मेरे YouTube फैमिली को मेरा हाथ जोड़कर आपको नमस्ते, सत श्री अकाल, राम राम और सब लोगों को दिल से सैल्यूट, नमस्ते। आज मैं आपके सामने एक बात बोलने के लिए आया हूँ कि मैं अपने खरगोश शौक के बारे में ही ज्यादातर वीडियो लेके आता हूँ आपके सामने, आप सब लोगों को पता है। मगर आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, अगर आप लोगों को पसंद आए तो हमें इसके बारे में और बताना कि ये भी आपको अच्छे लगते हैं, तो मैं इसके बारे में और भी बनाने की कोशिश करूंगा। और अगर पसंद न आए तो भी आप हमें बताना कि आप खरगोश के ही वीडियो बनाओ तो मैं उन्हीं का ही बनाऊंगा। मगर मुझे आपको बताना जरूरी था, इसीलिए मैं आज आपके सामने बताने के लिए आया हूं, क्योंकि आज हमारे घर में नया मेहमान आए हैं, दो मेहमान। मेहमान मतलब हमने जो बकरी पाल रखी है उन बकरी के दो बच्चे हुए हैं, बहुत ही क्यूट से। कल रात को 3 बजे डिलीवरी हुई थी, हमने और मेरी घरवाली ने, बरसात हो रही थी और मैंने सोचा थोड़ा सा क्लिप बना के आपको दिखाऊं, मगर दरअसल बरसात हो रही थी और सब व्यवस्था थी नहीं, तो नहीं बना पाया। फिर भी ये जो मतलब होने के बाद में जो डिलीवरी होने के बाद में जो बच्चे हुए हैं वो मैं आपके सामने इस वीडियो के जरिए दिखाना चाहता हूँ। बहुत ही सुंदर और क्यूट है और मेरी कैटेगरी भी एनिमल के तरह, मतलब एनिमल, पशु और एनिमल की ही है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये भी टॉपिक अगर मैं ऐड करूं तो सही होगा। मगर आप अगर मना करोगे तो मैं नहीं करूंगा, मुझे कोई नहीं है भाई आपका, आपको पसंद नहीं आया और मैं ऐसे बनाते रहूं। बाकी जो कभी कभी मैं छोटे मोटे व्लॉग डालता हूं, उस व्लॉग की एक ऐसा ही है भाई, कभी मैं बहुत कम बाहर जाता हूं, फिर भी अगर कहीं जाऊं तो आपको मतलब दिखे तो बढ़िया रहता है। और कभी कभी ज्यादातर मैं रैबिट का ही वीडियो डालता हूं, तो इस वीडियो में मैंने वो बच्चे आपको दिखाए हैं, आप जरूर देखना, बहुत ही सुंदर है। और एक साल पहले मैंने और वीडियो डाला था जिसमें इसी बकरी ने पहले उस बच्चे को दिया था, मगर क्या हुआ कि वो बड़े हो गए और फैमिली बढ़ गई, तो हमने वो जो होते हैं ना, जो जिसे बोलते हैं बकरा बेचते हैं, उसको मैंने नहीं दिया। हमारे एक रिश्तेदार हैं जो बकरी पालते हैं, उनके पास ज्यादा बकरियां हैं, तो हमने उनको बेच दिया। बेचा ऐसा मतलब उनका मन रखने के लिए, बस पैसा भाई उसकी मर्जी से, जो भी उन्होंने बोला कि ये पैसा दूंगा मैं, क्योंकि जहां पैसों की बात आती है वहां पर हमारा मन पसंद जगह नहीं मिल पाती उन बच्चों को, और मारने के लिए हम नहीं दे सकते हैं। पहले हम देते थे, मुझे जानकारी नहीं थी, मेरे घर वाले देते थे, कई सालों से हम पालते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार ही हमने पाला है, कई सालों से हम पालते आ रहे हैं। मगर अब जब हमें पता चला धीरे धीरे कि भाई ये अच्छी बात नहीं है, गलत है, तो मुझे मतलब सही नहीं लगा, इसीलिए मैंने उनको दे दिया। ये दूसरी बार हुआ है, एक साल में और दिया और अगली, उससे अगली साल में भी और दिया, यानी कि आप समझ सकते हो इस तरह से मैंने दिया। और अभी आगे जो हो गए, अभी रात को जो उन्होंने बच्चे दिए वो भी दोनों बकरियां हैं, कभी बकरा देती है, बकरी देती है, या अलग अलग होता रहता, मगर उन्होंने जो है दोनों ने बकरियां दी, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। बकरा अगर होता तो प्रॉब्लम बढ़ जाती, क्योंकि बकरा बकरी पालने वाले लेते नहीं है ज्यादातर, एक अगर होता तो ले लेते, और ज्यादातर वो लेते नहीं, क्योंकि बकरा जो होता है वो नस्ल का होना चाहिए, और जो उनसे अगर उनका मतलब नस्ल आगे बढ़ती है तो ऐसा वैसा अगर नस्ल है तो वो लेंगे नहीं, इसीलिए मजबूरी में देना पड़ता था। मगर कोशिश करेंगे कि वो भी हम न दें,
अभी आप इस वीडियो में आप देखोगे तो कितने क्यूट है, कितने सुंदर है, मैं आपको बता नहीं सकता। आप उन्हें जरूर देखना, पूरा वीडियो देखना, आपको अच्छा लगेगा। और अगर आप चाहते हो कि भाई कभी कभी उनके बारे में भी डाला करो, तो मैं उनके भी वीडियो डाला करूंगा, क्योंकि छोटे जो बच्चे होते हैं बड़े क्यूट होते हैं। बाकी आप लोग हमारे साथ बने रहे, हमें प्यार देते रहे। मैं इस फील्ड में नया हूं, नहीं मेरे पास ऐसी वैसी सुविधा है। ये मैं कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूं, अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको दिखा देता हूं। ये कैमरा है और कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूं। आपको दिख रहा है? आपको नहीं दिख रहा होगा शायद। हाँ, ऐसे दिखेगा। अभी दिख रहा है? ये देखो, मोबाइल है ना, कैमरा नहीं है, मोबाइल, ये वाला मोबाइल देख लो। तो मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूं दोस्तों, तो आवाज की प्रॉब्लम होगी और भी कई तरह की प्रॉब्लम होगी, तो आप थोड़ा हमें सपोर्ट करना, क्योंकि जब हमारा और अच्छा से चलने लगेगी वीडियो और बढ़िया होगा, तो हम जरूर बेहतर क्वालिटी लाने की कोशिश करेंगे। और वैसे मैं इस फील्ड में एक फोटोग्राफर रह चुका हूं, तो मुझे इसकी जानकारी जो है ना वो अच्छे तरह से पता है, क्लियरिटी वगैरह लाने के लिए। मगर अभी मोबाइल में ही करना पड़ता है सारा कुछ, कंप्यूटर पे कर नहीं सकते, तो इसकी इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है दोस्तों। बाकी आप इस वीडियो को देखना और कमेंट करके बताना कि आपको अच्छा लगा या बुरा लगा, और अगर ऐसी वीडियो सही है तो हमें बताते रहना। और ये देखिए दोस्तों, ये है मेरे फादर, देखिए, जो 40 साल हो गए गुजर गए, अभी हमारे साथ नहीं है। बाकी मिलते हैं एक नए व्लॉग में, वीडियो लंबा हो जाएगा, और अगर आपको ऐसे ही पसंद आए तो हमें बताना जरूर। राम राम, भगवान करे आपका दिन शुभ हो। नमस्ते।